अ फ्यू, हम सबको ये तो पता है कि एचआईवी एड्स होता कैसे है, लेकिन अगर किसी को एचआईवी हो जाए तो क्या सेक्सुअल प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए, वो किसी को नहीं पता है। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूँ और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में बताऊंगी कि सेक्स और एचआईवी एड्स क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी एचआईवी एड्स एंड सेक्सुअल इंटरैक्शन, ऐसे 5 मिथ्स को मैं ब्रेक करने वाली हूँ यहाँ पर जो एचआईवी और एड्स को लेकर है। मिथ नंबर 1 कि जो एचआईवी पेशेंट है या जिसे एचआईवी हुआ है उसके साथ रहने से आपको एचआईवी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली अगर मैं सेक्सुअल टर्म्स में बात करूं तो किस करने से, उसके पसीने से, उनके साथ कुछ खाने पीने से कभी भी आपको एचआईवी एड्स नहीं होता है। पहले समझिए, एचआईवी हमेशा ह्यूमन शरीर में पनपता है, जैसे ही बाहर आता है वो खत्म हो जाता है, वो वायरस फिनिश हो जाता है। तो इसलिए उनके पसीने में, उनके साथ कुछ खाने पीने में, उनके बर्तन शेयर करने में, टावल शेयर करने में, जिम इक्विपमेंट शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, देयर इज नो एट ऑल एनी इशू। मिथ नंबर 2 कि अगर किसी का एचआईवी एड्स का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है तो अब उससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और आप उनके साथ बिना प्रिकॉशन के सेक्स कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। अगर किसी का एचआईवी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, काफ़ी समय से मेडिकेशन भी ले रहे हैं, तो भी पोटेंशियल है कि उनके साथ सेक्स करने से आपको एचआईवी हो सकता है, इसलिए हमेशा प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें। मिथ नंबर 3, जब अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों को सेक्स करने के लिए प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों पॉजिटिव भी हैं तो भी आपको कॉन्डम के साथ ही सेक्स को इंजॉय करना है। मिथ नंबर 4, ओरल सेक्स करने से कभी भी एचआईवी एड्स नहीं होता, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ओरल सेफेस्ट काइंड ऑफ सेक्स है, लेकिन अगर आपके मुंह में कहीं भी ब्लीडिंग है, टीथ में से खून आ रहा है, कोई ओपन सोर है, उससे एचआईवी एड्स हो सकता है। इसलिए अगर आपने ओरल सेक्स भी इंजॉय करना है तो भी आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझेंगे कि एचआईवी हमेशा ब्लड, सिमेन और वुमेन वजाइनल डिस्चार्ज से हो सकता है, इसलिए कहीं भी ओपन कट्स हैं, वुंड्स हैं, वहाँ पे भी होता है। मिथ नंबर 5 कि अगर कोई ड्रग्स नहीं लेता तो उसे एचआईवी एड नहीं होता, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ दी एचआईवी एड जो पाया जाता है वो है हेटरोसेक्सुअल एक्टिविटी, मेल करे फीमेल के साथ या फीमेल हेटरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स रखती हैं, वहाँ से एचआईवी एड सबसे ज़्यादा होता है। लोगों को ये भी मिथ है कि मैं एक बार सेक्स अटेम्प्ट करके ये पता लगा सकता हूँ कि मेरा पार्टनर पॉजिटिव है या नहीं है, जब तक एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट नहीं होता। और एड्स तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके सिम्टम्स आने में बहुत समय लग जाता है, तो आप पता नहीं लगा सकते। सो इट इज़ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि एड्स एचआईवी पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उनके साथ आप अच्छे से इंटरैक्ट करें, अगर वो हमारे ऑफिस एम्प्लॉई हैं तो भी उन्हें रिस्पेक्ट करें, लेकिन जब भी आप एक सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है कि वो पर्सन एड्स पॉजिटिव है या नहीं है, तो प्लीज कॉन्डम और प्रिकॉशन का यूज करें, क्योंकि यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कंजूसी नहीं करनी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे टॉपिक्स दीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, टॉपिक्स दे दीजिए। साथ साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, आपको पता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशन बुक करना चाहते हैं तो www.drnehamehta.com। स्टे कनेक्टेड, अगला वीडियो बहुत जल्दी।